देशवासियों को इस बात की याद दिलाता है कि एक निरंकुश सरकार ने एक तरफा बिना परामर्श के अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरे में डाला और नोटबंदी थोप दी देश को, 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को काला घोषित कर दिया। करोड़ों भारतवासियों को उसका नुकसान झेलना पड़ा और आज इसी निर्णय और इसके साथ जीएसटी और तालाबंदी के निर्णय का परिणाम है कि देश की अर्थव्यवस्था जो कांग्रेस के समय में तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, 10% से ज़्यादा प्लस रेट पर आगे बढ़ रही थी, वो आज निगेटिव नकारात्मक रूप से 23.3% की गिरावट पर है और देश के सामने बेरोजगारी का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। प्रत्येक भारतवासी ने इस निर्णय के कारण अपनी आय का कुछ हिस्सा खोया है, इसलिए कांग्रेस इस दिवस को आज विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। कर्मकार बोर्ड में जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आई हैं वो चिंताजनक हैं। हमने बड़े अरमानों से एक पंजीकृत कर्मकार था उसको बढ़ा करके 2 लाख के करीब पंजीकृत करवाए लोगों को और 250 करोड़ रुपया उस कोष में इकट्ठा किया, जो बढ़ करके अब 400-500 करोड़ से ज़्यादा हो गया और कहा जा रहा है कि 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो श्रमिकों के साथ एक बड़ा भारी छल है और श्रमिकों के साथ बड़ी भारी ज्यादती है। हम त्रिवेंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो चाहे सीबीआई से जांच करवाएं, चाहे न्यायिक जांच करवाएं या एसआईटी गठित करके इस प्रश्न की जांच करवाएं।